Hello guys, a very warm welcome to English with Raghav sir, and in today's video I have brought you something special. So I'm going to tell you the terms related to children born together. मतलब सीधा है भाई कि अगर एक माँ से एक टाइम पर दो बच्चे पैदा होते तो हम उनको आसानी से ट्विंस कह देते हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो तो क्या कहेंगे. तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ. तो अगर एक बच्चा होता तो हम उसको बोलते सिंगल बेबी, दो होते हैं तो बोलते हैं ट्विंस, थ्री चिल्ड्रन को बोलते हैं ट्रिपलेट्स. व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट्स. फोर होते हैं अगर तो उनको बोलते हैं क्वाड्रोप्लेट्स. व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड क्वाड्रोप्लेट्स. अगर पांच बच्चे होते तो उसका जो प्रोनंसिएशन है वर्ड का वो है क्विंट्यूप्लेट्स. इट इज कॉल्ड क्विंट्यूप्लेट्स. ओके, अगर छह बच्चे होते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्सट्यूप्लेट्स. व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड सेक्सट्यूप्लेट्स. अगर सात बच्चे होते हैं इट इज कॉल्ड सेप्ट्यूप्लेट्स. व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड सेप्ट्यूप्लेट्स. अगर आठ बच्चे होते हैं एक साथ तो गाइज इसको बोलेंगे ऑक्ट्यूप्लेट्स. व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड ऑक्ट्यूप्लेट्स. अगर नौ बच्चे होते हैं देन इट इज कॉल्ड नॉन्यूप्लेट्स. व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड नॉन्यूप्लेट्स. और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूं कि ये सारे वर्ड्स आसमान से नहीं टपके हैं भाई, ये सारे केसेस रियलिटी में हुए हैं. और उसके लिए आपको भैया गूगल करना पड़ेगा, मैं नहीं बताने वाला. फिलहाल ये सारे वर्ड्स लर्न कीजिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग विद राघव सर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.